कतर एयरवेज की सीट का एक सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि यार इधर वो बैग आई नहीं आई आई नहीं आई। एक्चुअल मेरे को इसकी याद आ रही थी, क्या सवाल पूछ रहे हैं मैं आपको बता दूं, मेरे साथ इमिग्रेशन ने क्या पूछा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? फिलहाल मैं हूं दोहा एयरपोर्ट पर, दोहा पहुंच चुका हूं। अब मैं आपको बताऊंगा, जब मैं दोहा एयरपोर्ट पर पहुंचा तो सबसे पहला, अगर आप लोग यूएस जा रहे हो ना और वाया दोहा जा रहे हो या वाया कोई भी गल्फ कंट्री अगर आप लोग जाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहला अब आपका बॉम्बे में वीजा वगैरह चेक करके आप बॉम्बे से यहाँ की फ्लाइट लेते हो, वाया दोहा की फ्लाइट लेते हैं। एक एग्जाम्पल जैसा मैंने लिया, जब आप यहाँ पर लैंड होते हो अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट लेने के लिए, जब आप आते हो ना आपका दोहा एयरपोर्ट पर उतरते साथ वो लोग आपको एक अलग काउंटर पर लेके जाते हैं, वहाँ पे आपका वीजा वगैरह चेक करते हैं एकदम कंप्लीट ए टू जेड डिटेल्स के साथ में, जैसा यूएस में इमिग्रेशन होता है वैसा, मतलब अच्छी तरीके से चेकिंग वगैरह करते हैं फ्लाइट लेने के पहले। जहाँ से हम लोग बोर्डिंग करते हैं ना, शायद से वहाँ पर भी आपका पूरा सिक्योरिटी चेक वगैरह होता है, पूरा आपका बैग वगैरह चेक होता है जहाँ तक मुझे पता है, जिस आगे मैं आप लोगों को ब्लॉग में सब बताऊंगा। इमिग्रेशन के पहले बॉम्बे एयरपोर्ट पर मेरे साथ क्या हुआ मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। मैं लेकर जा रहा था ड्रोन, जब मैं यूएस से लेकर आया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया था, मैं ड्रोन लेकर आया था इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही, सब चीज कुछ भी मसला नहीं हुआ। के बाद हैदराबाद की ट्रिप लिया था विस्तारा एयरलाइन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, वो ड्रोन जो था मेरे हैंड बैगेज में था कि बैटरीज अलग निकाल के रखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। वो बंदा बोल रहा है जो आपका ड्रोन है वो आप हैंड बैगेज में लेकर जा ही नहीं सकते हो, ड्रोन जो है आपका उसको आपको चेक इन में डालना पड़ेगा। और यार चेक इन ऑलरेडी मैंने कर चुका था, एयरलाइंस में जाओ एयरलाइंस वाले को बोलो आपका बैग मंगवाए, वो बोला सर अगर मैं ये सब करते बैठूंगा ना मेरा फ्लाइट मिस हो जाएगा बिकॉज मेरे फ्लाइट को सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ है। बोलता नहीं नहीं आपको ये सब करना पड़ेगा, आपका जो ड्रोन है वो आप जाके वहाँ पर जाकर दे दो, अननेसेसरी मेरा यूएस का फ्लाइट मिस हो जाएगा। बोलते एक काम करो कोई दूसरा नया बैग खरीदो और उसके अंदर आपका ड्रोन डाल के इसको उसको चेक इन में डालो। मतलब मैं बैग कहाँ से खरीदूं, मेरे पास बैग भी नहीं सर, एक छोटा सा 249 ग्राम्स का मुझे लेकर जाने दीजिए। बोले नहीं हम लोग अलाउ ही नहीं करेंगे, सिक्योरिटी वालों अलाउ नहीं करते और वो लोग कन्विंस होने के लिए तैयार ही नहीं है, ड्रोन है ना इसको यहीं पर छोड़ के आप चले जाओ वरना आपका फ्लाइट मिस हो जाएगा। मतलब आपका जो ड्रोन है ये यहीं पर रख दो और आपका यूएस का फ्लाइट पकड़ लो। अब भाई 50,000 का ड्रोन कैसे छोड़कर जाऊं मैं एयरपोर्ट पर? मैंने क्या किया, मम्मी लोग को फोन किया, वो लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे। फिर मैंने शोएब भाई को कॉल किया, मतलब शोएब भाई किधर हो? शोएब भाई को मैं बोले काम करो शोएब भाई तुम यहाँ पर आ जाओ, मैं तुमको ना मेरा ड्रोन दे देता हूँ, तुम लेकर चले जाओ। मैंने जो सिक्योरिटी वाला था उनको बोले काम करो ड्रोन है ना मैं गेट जो गेट से एंट्री किया था ना गेट पे सिक्योरिटी है उनके हाथ में रखा देता हूँ ताकि शोएब आएगा तो वो वहाँ से लेकर जा सकता है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप इतना कर सकते हो। फिर मैंने वो ड्रोन लिया जाकर सिक्योरिटी जो गेट नंबर 6 था बॉम्बे एयरपोर्ट का वहाँ पर जाकर मैंने उनको वो दिया और मैंने उनको बोला कि यार मेरा दोस्त आएगा उसका नाम शोएब है, उसको ऐसा दिखता है उसकी शक्ल ऐसी है, आप उसके हाथ में ड्रोन दे देना। उसने बोला ठीक है भाई ये कर दूंगा, उसका फोन नंबर वगैरह लिया, उसका नाम लिया। फिर मैंने वहाँ से यार अपना इमिग्रेशन क्लियर किया, इमिग्रेशन क्लियर करके मेरे को फाइनली फ्लाइट मिल गया और अभी मैं दोहा पहुंच गया। ये स्टोरी थी मेरे ड्रोन की। खैर ये जो पीछे जो जायंट टेडी है इसकी पूरी स्टोरी मैंने ना बताया था, ये बहुत फेमस है जायंट टेडी। वो जो नया इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं इसके बारे में तो वाला ब्लॉग आप जाओगे तो देखने मिलेगा, यूएसए टू इंडिया वाला ब्लॉग आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये देखो ये पीछे आप लोग देख रहे हो। अब कतर में यार यहाँ पर है ना शुरू हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप, आपको पता है कतर होस्ट कर रहा है इस बार दोहा में, तो ये देखो यार लोग यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह खिंचा रहे हैं, ये पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं। आए हम भी जरा एक दो पिक्चर्स लेते हैं, इंस्टाग्राम पर आपको देखने के लिए मिलेगी ये सारी पिक्चर्स। ये तो लगा था ये लोग प्रमोट कर रहे हैं लेकिन अभी इन्होंने बताया जो जितने भी ये फुटबॉल दिख रहे हैं ना आपको ये ऑफिशियल फुटबॉल है जो ये लोग गेम में यूज करने वाले, और ये आप अगर दोहा एयरपोर्ट पर आते हैं तो आप यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। इसकी प्राइस है $172 में फुटबॉल बेच रहे हैं, मतलब इसकी कीमत ऑलमोस्ट हो गई है 14,000 इंडियन रुपीज में। एक्चुअली मेरा यहाँ पे 6 घंटे का स्टॉप हुआ था लेकिन जैसा मैंने बताया जब मैं बॉम्बे से यहाँ पर मेरा जब फ्लाइट लैंड हुआ तो लैंड होने के बाद यार मेरे को पूरा 1 घंटा लग गया वहाँ पर, वो मेरा जो कनेक्टिंग फ्लाइट है वो काउंटर पे उनसे बातें करके चीजें सॉर्ट आउट करके तो मेरे पास बचे 5 घंटे। अब 5 घंटे में से मैंने 1 घंटा फोन को अपने चार्ज किया बिकॉज यार वो फ्लाइट में जो मैं इसके पहले जो फ्लाइट लिया था इंडिगो का मैंने पूरा वीडियो अपलोड किया, जाकर देखना आपको पता चलेगा इतनी सड़ी हुई एयरलाइंस है यार इंडिगो, जाकर देखना उसका पूरा रिव्यू जो पूरा बताया हूं मैंने। अब मेरे पास एक्चुअली 3.5 घंटे मैं फ्रेश होऊंगा। अब तीन घंटे में मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा है ना इसको एक्सप्लोर करूंगा, कुछ सामान खरीद लूंगा ना डियोर के जो कलोन वगैरह ना वो खरीद कर ही जाता है बिकॉज मिस नहीं करना बाद में कि मैं यार मुझे ले लेना चाहिए था बिकॉज सस्ता मिलता है ड्यूटी फ्री में कुछ खाने के लिए बिकॉज मुझे भूख भी बड़ी जबरदस्त लग रही है। तो फिर पकड़ते अपना नेक्स्ट फ्लाइट। सो लास्ट टाइम मैं आया था मैं ढूंढ रहा था बर्गर किंग मुझे लास्ट टाइम मिला ही नहीं था लेकिन आज मैं ट्राई करूंगा KFC बिकॉज एक बार यूएस पहुंच गया ना तो वहाँ पे तो हलाल मिलने वाला है नहीं, तो अभी आज यहाँ पर है तो यार थोड़ा सा ना इसका एडवांटेज लेते हैं, तो आज KFC ट्राई करते हैं यार, जाते जाते KFC खा कर जाते हैं, मजा आएगा। अब इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, मैं इनसे पूछूंगा पे कैसे करना है, कतरी रियाल में करना है इंडियन रुपीज में करना है, इंडियन रुपीज तो नहीं चलेगा एनीवे, या यूएस डॉलर में करना है, रियाल में लेते हैं या डॉलर में देखते हैं और क्या फर्क आता है ये भी देखते हैं। यार वाकई बता तो बहुत एक्साइटेड हूं, माइटी जिंगर बर्गर लिया हूं मैंने, फ्राइज लिया और एक ड्रिंक लिया और ये मिला कितने का, ये मुझे मिला $12 का विच इज नॉट बैड, $12 के हिसाब से इतना अच्छा चिकन वाला हलाल वाला ऑलमोस्ट 900 रुपया हो गया लेकिन मजा आ गया। तो एयरपोर्ट पे कैसा है यहाँ पर ना सब फ्लाइट
की टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पे रश क्राउड बढ़ जाता है। जब मैं थोड़ी देर पहले यहाँ से जा रहा था, ये स्पेस जो था ना, ये जो एरिया ये पूरा खाली था, और अभी देखो पीछे कितने सारे पैसेंजर दिख रहे। देखो पीछे, पहले मैं जाकर देखता हूँ कि मेरा जो फ्लाइट है वो कौन से गेट नंबर पे। 6 घंटे का स्टॉप ओवर था, कितने जल्दी निकल के 4 घंटे पता ही नहीं चला। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ ना, कि जो लंबा जो ब्रेक मिलता है ना, मैं बोलता हूँ बेस्ट होता है ये, बेस्ट। डायरेक्ट फ्लाइट से आप 16 घंटा बैठ के जाओगे ना, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाओगे। इसमें देखो ना, आप थोड़ा चिल्ड आउट कर सकते हो, बैठ सकते हो, मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हो, कुछ नई नई चीज़ें खा सकते हो, ड्यूटी फ्री से शॉपिंग कर सकते हो। तो मैं तो इसीलिए प्रीफर करता हूँ डायरेक्ट फ्लाइट से जाओ, आइए भले लेके जाओ, भले 4 घंटे एक्स्ट्रा लगे, रिलैक्स चिल्ड आउट करके जाता हूँ। क्योंकि इसके बाद वाला जो फ्लाइट है यार, सीधा 14 घंटे बैठकर जाना है। लास्ट टाइम जब इंडिया जा रहा था तो काफी वक्त के बाद लगा था, आज देखते लगा है कि नहीं, मुझे अब तक कहीं दिख ही नहीं रहा। तो अभी जस्ट मैंने चेक किया, मेरा गेट अभी तक डिसाइड हुआ नहीं, गेट डिसाइड होएगा 11:30 बजे, 1 घंटा पहले, बिकॉज 12:30 बजे बोर्डिंग है। और अभी ऑलमोस्ट हो गए 10:35, तो 1 घंटा और है मेरे पास। और एक्चुअली मैं अपनी मम्मी से ही बात कर रहा था, मम्मी मुझे बोल रहे थे यार जो टेबल पे बैठ के तुम है, जहाँ पर बैठ के तू काम करता था ना, मैं घर पे आने के वहीं पे बैठ कर टेबल को देख देख के रो रही थी। मतलब मम्मी क्यों रो रहे हो, ऐसा मत करो, बिकॉज अगर आप ऐसा बोलोगे तो मुझे और दुख होगा, मैं और सैड हो जाऊंगा। फिर मम्मी बोले नहीं, मैं तेरे को एक्चुअली बहुत ज्यादा याद कर रही हूँ। बोला कोई बात नहीं मम्मी, थोड़े टाइम की बात है, इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास जल्द से जल्द आ जाओ, अपनी मम्मी साथ में रहने लगेंगे। और एक्चुअली मैं दिल से वही चाहता हूँ कि मम्मी मेरे साथ में रहे। मेरी जो लाइफ है, जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ ना अमेरिका में, मैं चाहता हूँ मम्मी मेरे साथ में वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करे। और अभी करीब से ही बात कर रहा था, वो तो मुझे अभी से पूछ रही है कल क्या खाओगे ये बता, बिकॉज मेरी फ्लाइट कल सुबह वहाँ पे पहुँचने वाली है 9 बजे, और अभी जब मैंने उसको कॉल किया था दोपहर के बज रहे, शाम के बज रहे थे 4, तो मुझे बोलते क्या बना, मतलब कुछ भी बना दो, ग्रेवी वगैरह, बिकॉज नान वगैरह तो मैं लाया उसको, बिकॉज पाव वगैरह अभी चाहिए थे इंडिया से, तो सोचिए लेकर आया, तो मैंने बैग में लिया। अनल ब्लॉग में आपको सब देखने के लिए मिलेगा। ड्यूटी फ्री से मैं अपना ले रहा था डियोर का अपना कलोन ले रहा था, $93 मैंने इतनी छोटी बॉटल लिया था। और अच्छी बात पता है क्या, ये पूरा जो सेक्शन है पूरा अपना डियोर का ही है। इफ यू कैन चेक दैट वन प्लीज, थैंक यू। एंड हाउ मच इज दैट फॉर? ओके। लास्ट टाइम जो भी मेरी शॉपिंग रह गई थी ना ड्यूटी फ्री से, आज सब कुछ ले लिया हूँ। एक बर्बरी का कलोन लिया हूँ, एक लिया हूँ डियोर, तो और कुछ सुवेनियर्स वगैरह ले लिया था। देखते कौन से गेट पर यार। अभी सब फिर से सिक्योरिटी वगैरह, कितनी बार सिक्योरिटी चेकिंग होती है पता है आप लोगों को, यूएस फ्लाइट लेने के पहले। अच्छा यूट्यूबर जाके इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके जाना और ट्रैवल करना, मैं वाकई में बताता हूँ इतना आसान नहीं है। मेरी तो बैग इतनी बार चेक हुए ना, इतनी बार, एक बार नहीं एक ही जगह पे तीन बार तीन अलग अलग लोग चेक कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से। अभी अंदर जाऊँगा, करते हैं बोर्डिंग। एयरक्राफ्ट में सबसे पहले एंटर करते थे हमारी सीट पर हम लोग चेक करते हैं यार लेग स्पेस। इसमें काफी अच्छा लेग स्पेस है, मेरी हाइट है 6 फीट, उसके हिसाब से बहुत अच्छा लेग स्पेस है। वैसे बात करेंगे यहाँ पर टच स्क्रीन LCD जो लगा हुआ था, काफी क्लीन अच्छा टच स्क्रीन था इसका भी। और फिर साथ ही साथ यहाँ पे USB पॉइंट, हेडफोन के लिए जैक, और जो सीट ट्रे होता है जहाँ पे हम लोग अपना खाना वगैरह खाते, ये भी बहुत अच्छा स्पेस था इस पर। अक्सर जब हम लोग कतर एयरवेज से ट्रैवल करते हैं या कोई अच्छी एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, उसे ही रिव्यू देते हैं। अब बात करें यहाँ पे इकोनॉमी क्लास में क्या अमेनिटीज जो होती है उसमें क्या क्या होता है। सिंपल एक आई मास्क होता है, एक सॉक्स होता है, एक टूथपेस्ट ब्रश होता है, इससे ज्यादा हम लोग इकोनॉमी क्या एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। साथ में एक पिलो और एक ब्लैंकेट। कतर एयरवेज की सीट का एक सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि यार इसमें ना आप अपने नेक को आराम से रेस्ट दे सकते हैं। 14-15 घंटे की जो फ्लाइट होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसा नेक रेस्ट करना, जो कतर एयरवेज में है। टाइम हो गया था पुशबैक का, चले चलते हैं अमेरिका की तरफ। और ये यहाँ से खूबसूरत सी दोहा सिटी को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं आसमान की ऊंचाइयों से। फ्लाइट टेक ऑफ होकर 1 घंटा ही हुआ है और हमें हमारा पहला डिनर सर्व किया गया, पहला मील फ्लाइट का। और जो मैंने ऑर्डर किया था चिकन, तो मुझे मिला चिकन बिरयानी। और कतर एयरवेज यार अपने खाने के लिए बहुत फेमस है, और बिरयानी बड़ी टेस्टी थी। साथ में एक दिया गया कोक और एक ब्रेड, और साथ ही साथ में एक डेजर्ट। बस डिनर होते साथ ही मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया यार कि कौन सी मूवीज है यहाँ पर। मुझे ज्यादा ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं दिखा, हार्डली 14-15 मूवीज थी जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। या फ्लाइट में हम लोगों को बॉलीवुड की मूवीज देखने का शौक होता है, वो यहाँ पर उतना ज्यादा ऑप्शन था नहीं, तो मैंने चूज किया कार्टून। फ्लॉप मूवीज से तो बेटर ही ऑप्शन है। जैसा मैं अक्सर कहता हूँ यार, प्लेन में 3 सीट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक आपकी, एक पायलट की, और एक यार रेस्ट रूम की। एज कम्पेयर टू अदर एयरलाइंस यार इसका जो रेस्ट रूम था थ्रू आउट द फ्लाइट 14 घंटे तक, जैसा मैंने ऑब्जर्व किया, इन्होंने काफी अच्छे से इसको क्लीन रखा हुआ था। टाइम टू टाइम ये लोग क्रू आकर क्लीन करते थे इसे, तो ये साफ था। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चार्जिंग सॉकेट भी दिया हुआ है। फिर मैं सो गया, और फिर सोने के ऑलमोस्ट फ्लाइट टेक ऑफ होकर 7 घंटे हो गए थे, हमें हमारा दूसरा स्नैक्स दिया गया, जो जिसमें दिया गया सैंडविच। और मैं बाहर अपनी विंडो सीट का मजा लेते हुए मैं अपनी फ्लाइट में
एंजॉय कर रहा था अपना सेकेंड मील। अब देखते ही देखते वक्त हो गया था सनराइज का, मैं अपनी विंडो सीट से मजे ले रहा था सनराइज के। मैं एक्चुअली प्रेफर करता हूँ कि यार 7 से 8 घंटे एटलीस्ट सोऊं मैं अगर इतनी लंबी फ्लाइट है तो, जिसकी वजह से फिर आपको थकान कम होती है। अब हम फ्लाइट लैंड करने ही वाले थे, लैंडिंग के 2 घंटा पहले हमें हमारा ब्रेकफास्ट सर्व किया गया, जो लास्ट मील होता है भाई फ्लाइट का, जिसमें हमें दिया गया यार, मैंने ऑर्डर किया था कीमा और पराठा, साथ ही साथ में एक फ्रूट जिंजर एल, कोल्ड ड्रिंक कोक जैसा होता है वैसा ही होता है, साथ में एक ब्रेड और साथ ही साथ में मीठा दही। चिकन कीमा मटर वाकई टेस्टी था, साथ में जैम और ब्रेड के मजे लेते हुए मैं अपनी फ्लाइट में, वैसे टेस्ट जबरदस्त था, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी बिल्कुल वैसा ही टेस्ट था। अब बात करते हैं यार इनकी सर्विस की, इनकी जो सर्विस थी वो भी बड़ी जबरदस्त थी। अब आप देख ही सकते हैं मैंने अपना पूरा खाना फिनिश कर दिया, मतलब खाना बड़ा जबरदस्त था। एक चीज मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा यार, जब मैं यूएसए इंडिया जा रहा था ना, उस वक्त क्रू थोड़े से रूड थे कतर एयरवेज के, लेकिन इस बार इंडिया टू यूएस वाला जो मैंने फ्लाइट लिया इसमें मुझे क्रू बहुत जबरदस्त लगे, बहुत प्रोफेशनल, बहुत पोलाइट। 14 घंटे की जर्नी तय करने के बाद अब हम लोग अप्रोच कर रहे थे वॉशिंगटन डलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वैसे मैं हूँ मैरीलैंड से, तो जो वर्जीनिया और मैरीलैंड में रहते हैं वो अक्सर यही एयरपोर्ट प्रीफर करते हैं अपने इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए। आई होप आपको यह रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको यूएसए टू इंडिया वाला कतर एयरवेज का रिव्यू अगर आपको जानना है तो मेरे दूसरे चैनल के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वो वीडियो भी जरूर चेक कर सकते हैं। अभी जस्ट बैगेज लेके अपना आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ यार, पूरा मैं बोलना 1 घंटा लग गया बैगेज आने में, अब लेकर निकल रहा हूँ, कनीज बाहर खड़ी है। ये देखो तब से मुझे मैसेज कर करके परेशान कर दिए इसने, इधर वो बैग आई बैग आई बैग आई नहीं आई आई नहीं आई, एक महीने के बाद पैसा बोल दे यार, मैंने ना इसको मिस्ट्रेस कुछ किया नहीं है और इसने भी कुछ की नहीं है, खाली ये फालतू बातें कर रही है और कुछ भी नहीं है, समझ में आ रही है बात, और आप लोगों को पता ये है कैसे चले। यस अबे कॉफी वॉफी लेकर खड़े इधर पे यार, 1 घंटे से वेट कर रही हूँ आपका। अरे हालत खराब हो गई यार, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मिलकर 30 सेकंड नहीं हुआ आपकी बुराइयाँ शुरू हो गई अभी। एक महीने में आया इसीलिए तो रिटर्न, मतलब मैं और बढ़ा देता। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अभी भी ऐसा महसूस हो रहा है कि मतलब पहली बार अमेरिका है और मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, ऐसा फील हो रहा है, आपको बड़ा चमक किया एकदम। हाँ इट्स अ गुड फीलिंग, अच्छी फीलिंग है, लेकिन मैं अभी ऐसा लगा मैं पहली बार आया हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तीसरी बार पहली बार आना है? हाँ तीसरी बार पहली बार आना है, जो 14 आवर फ्लाइट में। Okay, आपने एक चीज रियलाइज किया, लास्ट टाइम मैं आया था कतर एयरवेज से, मेरा बैगेज वगैरह सब अंदर आया था, एहतियात वगैरह से जो आए तो उनके बैगेज वगैरह यहाँ बाहर आते, वियर्ड है यार। एक महीने का आपको ब्रेक मिला था, बहुत सही ब्रेक था वो सच में, आपके आने के एक रात पहले मुझे टेंशन शुरू हो गया, ये खाना बनाना पड़ेगा, इधर उधर से चीज़ें उठानी पड़ेगी, अभी कितना सुकून अच्छा, था मतलब हेल्प मिलेगी, हेल्प मिलेगी उसका कुछ नहीं था, सब बोल देगी। ऑफिशियली अब फिर से एंटर कर चुके 1 महीने के गैप के बाद, जैसे मैंने बताया था जाते वक्त कि जब मैं रिटर्न आऊंगा ना तो यहाँ का मौसम चेंज हुआ रहेगा, फिलहाल 12 डिग्री है। अरे गाड़ी कौन चलाएगा ये बताओ, आज ये बोल रही है ना, नहीं 1 हफ्ते के बाद मैं लूंगा। ऑनेस्टली बताऊँ मेरे को अभी भी ऐसा ही महसूस हो रहा है कि मैं पहली बार अमेरिका है, लेकिन मैंने आपको मिस किया और आप बड़े जबरदस्त दिख रहे हो आज यार, और कसम खुदा कि आपको ना सुनो तो, अरे सुनो ना यार आपको ना आज देख के जिस तरीके आप चल के ना, कसम खुदा की बोतल वही वाला दिन याद आएगा जिस दिन मैं पहली बार अमेरिका में एंटर किया था, और जैसी दिख रही थी आज भी वैसे ही दिख रही है। अच्छा मेट्रो ऊपर से भी जा रही है देखो, आज देख रहा हूँ मैं। अच्छी बात पता है क्या होगी गणेश की, यार इसके पाव वालों ने यहाँ पे चेक नहीं किए, इसने जो इसने चीख चीख के मैं तो पाव मंगाए थे ना, मैं चाहता था कि बताओ इमिग्रेशन में क्या सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको बता दूँ मेरे साथ इमिग्रेशन ने क्या पूछा है। वहाँ पे 2 थे ना काउंटर, एक विजिटर्स के थे और एक था हाँ ग्रीन कार्ड और सिटीजन का। तो आज मैं शान से सर उठाकर मैं सिटीजन के उसमें गया, ग्रीन कार्ड वाले इसमें, फिर उसने 3 ही सवाल किए, कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो, मैं बोला इंडिया से आ रहे हो, बोले क्यों गए थे, मैं बोला कि मेरी मम्मी को विजिट करने गया था। कोई गोल्ड कैरी कर रहे हो क्या, मैं बोला नॉट रियली, बोला नॉट रियली, बोला हाँ मेरी वाइफ के गोल्ड लेके गया था, वो गोल्ड को मैं क्लीन अप करवा के रिटर्न लेके आया, बोला ओके 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 ठीक, सिर्फ इतना, ठीक है गुड डे। और ये बैगेज लेने में यार 1 घंटा लग गया पता नहीं, मैं भाग भाग के 95 की स्पीड पे यहाँ पहुंची, मुझे पता होता तो मैं 2 घंटा एक्स्ट्रा सो लेती। एक्चुअल मेरे को इसकी याद आ रही थी, लेकिन वहाँ पे मम्मी के साथ मेरे को ज्यादा टाइम स्पेंड करना था, इसको तो अपन पीछे की सीट पे रखेंगे, लेकिन एक एक बड़ी बैग शायद पीछे आएगी ना, नहीं चलेगा दोनों आ जाएगी, नो डोंट डू इट, कोल्ड केयरफुल। पूरा 24 घंटा पूरा लगा है, बॉम्बे एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन में जाने के पहले वो लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे मास्क पहनो मास्क पहनो मास्क पहनो। अब मेरे बाजू में एक बेचारे एक बिहारी लड़का खड़ा था मेरे एकदम बाजू में इमिग्रेशन पे काउंटर पे, मास्क पहना हुआ था, मैंने ही मास्क पहना था, उसको ऑफिसर उसको बोलता है अरे मास्क निकल गया कोरोना वोरोना।
और इमिग्रेशन जाने के पहले क्या बोल रहे, मास्क पहनो मास्क पहनो मास्क पहनो। देखो इतनी हंसी आई ना, मास्क पहनो मास्क निकालो मास्क पहनो। और वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर मेरे बाजू में बोलते हैं, अरे मास्क निकाल कोरोना वोरोना गया। गाड़ी में आधा घंटा हो गया और 20 मिनट घर पहुंचूंगा, सर्वर भी दुख रहा, बहुत थक गया, ऐसा लग रहा है मुझे यार, नींद भी आ रही है नहीं भी आ रही, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो अगर अभी सोएंगे तो फिर दिन रात को आप नहीं सोएंगे, इंडिया के हिसाब से चलेंगे फिर वापस। अभी जस्ट घर में एंटर हुआ, बहुत थक गया, बहुत 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 ज्यादा थक गया। अब ये कुछ चाय वाय बनाएगी। चलो इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी, जैसा कि हम हर बार कहते हैं। तब तक की गाइस स्टे सेफ स्टे पॉजिटिव एंड स्टे वेरी वेरी हैप्पी हैप्पी गाइस।